सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से गृह मंत्री अमित शाह लाइव हैं इस वक्त। कार्यक्रम तहत उन नक्शे को हकीकत में परिवर्तित करने का काम श्रीमान हरदीप सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत वंदे भारत पार्क का बहुत बड़ा काम शुरू किया। आज भी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के मानदंडों के हिसाब से वे विकसित होने जाने वाली भारत की पहली परियोजना का वो शिलान्यास कर रहे। मुझे बुला लेते हैं, मैं चला जाता हूं। तो मैंने अभी हरदीप सिंह जी को पूछा कि भैया आप ये पूरा भूमि पूजन तो करा रहे हो, वे बनेंगे कब सब? तो उन्होंने मुझे पूरा कार्यक्रम दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार ही इसका उद्घाटन करेगी, इस प्रकार का हमने आयोजन। और उन्होंने मुझे कहा कि कभी इस ओर से निकलो, इस दिल्ली से, तो देख लेना एक महीने के बाद यहां कंस्ट्रक्शन आपको जमीन के बाहर दिखाई पड़ेगा, एक काम शुरू हो जाए, एक नई कार्य संस्कृति इस देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने रखी। मैं भी सार्वजनिक जीवन में 12 साल 13 साल की उम्र से सक्रिय हूं, कई सरकारें मैंने भी देखी। मेरी राजनीतिक करियर का बहुत बड़ा हिस्सा ऑपोजिशन के कार्यकर्ता के नाते गया है। कांग्रेस की सरकारें चला करती थी और कांग्रेस की सरकारें मशहूर थी कि 5 साल में एक सरकार योजना बनाती थी, दूसरे 5 साल में दूसरी सरकार उसके लिए बजट का आवंटन करती थी, तीसरे 5 साल में तीसरी सरकार भूमि पूजन करती थी और चौथे 5 साल में वो सरकार भूमि पूजन को भूल जाती है। काम तो होता ही नहीं। अब कांग्रेस का एक घिसा पीटा अंदाज मोदी जी ने गुजरात से बदलना शुरू किया। कैसी कार्य संस्कृति देश की लोकतांत्रिक सरकारों के लिए निर्मित की और सबको मजबूर किया कि जो सरकार भूमि पूजन करेगी वो ही उसका उद्घाटन भी करेगी और जो काम निर्णित किए जाएंगे, जो काम का भूमि पूजन किया जाएगा उसका मूर्त स्वरूप 5 साल के अंदर ही जनता को देख रही होंगे। और दिल्ली के सारे प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से करने के लिए हरदीप सिंह जी कटिबद्ध। मगर कांग्रेस की संस्कृति से भी आगे भी एक नई संस्कृति चालू हुई। मोदी जी ने सबको मजबूर किया एक कार्य संस्कृति का फॉलो करने के लिए, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल ऐसे हैं कि जो नई नई चीजें करते रहते। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत की, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया कराया है अपने नाम का थप्पा लगा देना। अभी मैंने कल एक एडवर्टाइज देखी कि हर घर को पीने का पानी दिल्ली सरकार दे देगी। केजरीवाल जी 15 अगस्त को मेरी बगल में बैठे थे, आप मोदी जी का भाषण नहीं सुना? 2019 का मैंडेट मिलने के बाद लाल किले की प्राचीर से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 के पहले इस देश के हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप एडवर्टाइज देकर यश लेने की बात कर रहे हो? आप मुझे एक बात बता दो, आपके बजट में कितना रुपया इसके लिए प्रोवाइड किया है? आपकी क्या कार्य योजना है? आपको भी मालूम है जब मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर हम हर घर को पीने का पानी देंगे तो दिल्ली भी तो देश में आना है, आता है तो दिल्ली को भी मिलने वाला है। तो भाई केजरीवाल तैयार हो गए एक बड़ी एडवर्टाइज कर। एडवर्टाइज से दो काम उनके होते हैं, एक तो कोई योजना पर उनके नाम का थप्पा लगता है
और अखबार वाले उनकी सरकार की बुराई नहीं करते, दोनों काम एक ही काम से करते। चतुराई तो है, मगर मैं जानता हूं कि दिल्ली की जनता चतुराई को पहचानने वाली जनता है, किसने काम किया और किसने प्रचार किया इसको ध्यान। मित्रों, ये जो योजना बनेगी लगभग 1400 करोड़ से 30 हेक्टर भूमि पर टीओडी के मानदंड के आधार पर, ये योजना पहली बार अपने समय पर पूरी होकर, मैंने जैसे कहा, दिल्ली के कार्य संस्कृति को बदलेगी। एक प्रकार से मिक्स यूज परियोजना है, जिसका 70% आवासीय होगा, 20% वाणिज्य होगा और 10% नागरिक सुविधा में भी है। यहां पर गरीबों के लिए भी मकान बनाए जाएंगे, मेट्रो की पिंक और वायोलेट लाइनें दोनों इसके अंदर से होकर ही गुजरेगी और विकास के लिए लगभग 25 हेक्टर भूमि इसके लिए उपलब्ध होगी। सामान्य वर्ग के लिए लगभग 4526 यूनिट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2088 मकान करेगी और लगभग 1108 और 522 नए मकानों की भी इसके अंदर योजना की है। 30% हिस्से को ग्रीन ओपन पब्लिक स्पेस के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिससे दिल्ली के प्रदूषण से यहां रहने वाले नागरिकों को बचाया जा सके। एक विशाल ग्रीन लॉन्च का भी आयोजन किया है, पर्यावरणीय हरित भवन की विशेषताएं हैं, एक कल्चर सेंटर जिसके लिए स्काईवॉक कनेक्टिविटी का भी प्लानिंग किया है, बेसमेंट कार पार्किंग भी है, सामुदायिक स्थान है, क्रेच आदि नागरिक सुविधाओं का भी इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। एक विकास का नया आयाम किस प्रकार से दिल्ली जैसे शहरी राज्यों के लिए सिद्ध किया जा सकता है, इन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरदीप पुरी जी ने बहुत कम समय के अंदर दिल्ली वासियों के लिए जो एक के बाद श्रृंखला बनाई है, इससे इस्तीफा मिला। अभी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, हरदीप सिंह जी के नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसको मोदी जी ने कहा कि सालों से अनधिकृत कॉलोनियां, उस वक्त जो सरकारें थी उसके दुर्लक्ष के चलते बस गई, इसके अंदर गरीब लोग रहते, इसके अंदर मध्यम वर्ग के लोग रहते, सालों से रहते, कुछ तो 3 पीढ़ी से रहते, मगर उनके पास बच्चे को पढ़ाना है और बैंक में घर गिरो रखकर लोन लेनी है तो वो नहीं ले सकते क्योंकि इनके नाम पर नहीं। उनको इसको थोड़ा एक्सपांड करना है, बेटे की शादी हो गई, नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी अप्रूव नहीं हूं।